तो वहीं मंगलौर के लीबरहेडी गांव में अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए गंग नहर के पुल को सिंचाई विभाग ने बंद कर दिया, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है। आपको बता दें कि लगभग 150 साल पुराने पुल की अवधि अब समाप्त हो चुकी है और वो पूरी तरह से जर्जर हो गया, जिसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर पुल पर दीवार खड़ी करवा दी, जिसके बाद ग्रामीणों में गुस्सा पैदा हो गया। ग्रामीण का कहना है कि सिंचाई विभाग को पहले दूसरा पुल बनवाना चाहिए था, क्योंकि पुल के बंद होने से ग्रामीणों को कई किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ेगा। साथ ही पुल के पार बच्चों का स्कूल है, पुल बंद होने से छोटे बच्चों को कई किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद ही स्कूल जाना पड़ेगा। वहीं सिंचाई विभाग के ठेकेदार का कहना है कि उसे सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पुल बंद करने के आदेश दिए हैं, जिसको लेकर वो पुल बंद करा रहा है। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। ये हैवी लोड का तो क्या नाम जो है पुल है नहीं, ये गांव गरीब मेरे जैसे आम आदमियों का क्या नाम जो आने जाने का रास्ता है, यो कोई यहाँ से जो डम्फर चल रहे हैं, बड़े बड़े वाहन चल रहे हैं, इसमें रोडी बजरी जो अवैध खनन हो जाएंगे वो काट के लेके जाओ, ये जैसे चला रही है तो इसकी वजह से टूटता है, यहाँ का कोई देखता है नहीं। ये जो मेरे पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, कोई टाइम नहीं है मेरा, रात को 1 बजे ऐसे ड्यूटी पर आता हूँ मैं, तो यहाँ बीस बीस खड़े चल चल स्टोन वाले ट्रोले बड़े बड़े जो लिकट गजा है उनको। लेकिन